बॉलीवुड की ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस है जिन्होंने शादी के बाद अपने एक्टिंग के करियर को पूरी तरह से छोड़ दिया और फिल्मों में नजर आना बंद हो गईं। आज हम उन्हीं एक्ट्रेस के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। नंबर एक, ट्विंकल खन्ना। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने भी अपने शुरुआती दिनों में अपना करियर एक्टिंग से शुरू किया। उनकी पहली फिल्म 1995 में आई बरसात मूवी थी, जो कि ठीक ठाक चली थी। बाद में उन्होंने और भी कुछ फिल्में की थी, लेकिन फिर 2001 में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। अक्षय कुमार के साथ शादी करने के बाद ट्विंकल अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गई कि उनका फिल्मों में नजर आना ही बंद हो गया। फिलहाल ट्विंकल ने भले ही एक्टिंग से दूरी बना ली हो, मगर ट्विंकल ने अपना दूसरा करियर चुन लिया है। ट्विंकल खन्ना एक इंटीरियर डिजाइनर, राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। नंबर दो, सोनाली बेंद्रे। बॉलीवुड में सोनाली ने भी काफी हिट मूवीज में काम किया है। सोनाली की फिल्म दिल जले को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। सोनाली सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े एक्टर के साथ भी हम साथ साथ हैं और सरफरोज मूवीज में नजर आई हैं। सोनाली बेंद्रे अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस भी रह चुकी है, लेकिन शादी के बाद सोनाली ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। हालांकि वो कभी कभी किसी रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आती रही है, मगर फिल्मों में काम करना उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया था। नंबर तीन, असिन। बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म गुजारिश से ही सबको अपना दीवाना बनाने वाली असिन ने जब शादी की तो मानो असिन ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। असिन ने साउथ की भी बहुत सी फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड में सलमान खान के साथ रेडी फिल्म, अभिषेक बच्चन के साथ बोल बच्चन और अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल, इसके अलावा भी कई फिल्मों में नजर आई है। मगर असिन ने माइक्रोमैक्स के CEO राहुल शर्मा से शादी के बाद फिल्मों में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया और तब से असिन किसी को नजर नहीं आई। असिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत कम एक्टिव रहती है। असिन की एक प्यारी सी बेटी भी है। नंबर चार, जेनेलिया डिसूजा। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करने वाली जेनेलिया डिसूजा का भी शादी के बाद फिल्मों में नजर आना बंद हो गया। जेनेलिया ने रितेश देशमुख के साथ शादी की थी। तेरे नाल लव हो गया में रितेश और जेनेलिया ने साथ काम किया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत पसंद भी करते हैं। जेनेलिया और रितेश के दो बेटे भी हैं। जेनेलिया अपनी शादीशुदा जिंदगी और परिवार में इतना बिजी हो गई कि जेनेलिया अब किसी फिल्मों में नजर नहीं आती और उन्होंने अपना एक्टिंग का काम बीच में ही छोड़ दिया। नंबर पाँच, भाग्यश्री। सलमान खान के साथ आई भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इस मूवी को दर्शकों का जितना प्यार मिला उतना ही इस मूवी की इस जोड़ी को भी मिला था। आज भी लोग भाग्यश्री को इस फिल्म में हीरोइन का किरदार निभाते हुए देखना पसंद करते हैं और भाग्यश्री उस वक्त की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी रही है। लेकिन भाग्यश्री की शादी होने के बाद भाग्यश्री ने भी अपना एक्टिंग का करियर छोड़ दिया और घर परिवार संभालने लगी। इन सभी एक्ट्रेसेस को दर्शकों का बेहद प्यार मिला और अगर अब भी ये एक्ट्रेस एक्टिंग में कमबैक करती है तो लोग इनको बड़े पर्दे पर दोबारा जरूर देखना चाहेंगे।